अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर फाइन। हियर इज योर बुक टॉकिंग नंबर्स क्लास 8 बाय द एयर फाउंडेशन पब्लिशर्स। टेक आउट पेज नंबर 26, 2.5। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू ऑक्टल नंबर। हमें ये डेसिमल नंबर्स गिवन है, इसको ऑक्टल नंबर्स में हमें कन्वर्ट करना है। और मैं आपको 25 और 74 खुद करवाऊँगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई आपका होमवर्क होगा। लुक एट हेयर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए 25, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल मीन्स 8। एक के 25 आता है, नहीं आता, लेकिन छोटा नंबर आता है तो 24। 8 3 24। रिमेनिंग 1 हमने साइड में 1 करके राइट कर दिया। इसके बाद ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं पर ही एंड कर देंगे। 25 = 31, और छोटा नीचे आ जाएगा ऑक्टल नंबर का 8। क्वेश्चन नंबर बी है 74, 8 के में 74 आता है, नहीं, लेकिन 8 9 = 72 आता है। 8 9 = 72, 2 रिमेनिंग बचा, तो हमने 2 उसको साइड में लिख दिया। देन इतने में 9 आता है, नहीं आता, लेकिन 8 आता है। 8 1 = 8, 9 - 8 = 1, मतलब 1 बचा, तो आंसर हमारा यहीं एंड हो गया। क्या लिखेंगे? 74 = 1 1 2, और साइड में छोटा सा लिख देंगे 8, ऑक्टल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई सेम एज इट इज़ ऐसा ही होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। ये ऑक्टल नंबर्स हैं, इसको डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 16, सेकंड है 72। 2 करवाऊँगी, इसके बाद 3 आपके होमवर्क होंगे। 16 देखिए, लुक एट हियर 16 को, ये डेसिमल ऑक्टल नंबर ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हमें डेसिमल में। हमने 1 हमने इनको हम अलग करके लिखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से। 10 + 6 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर इसकी हम पावर लगाएंगे। पावर हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1। अब देखें 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 8 1 = 8 प्लस एज इट इज़ 6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ 8 0 = 0, मतलब 8 के पावर 0 है, उसका मतलब आंसर क्या आएगा? 1। 8 1 = 8 प्लस एज इट इज़ 6 1 = 6, 8 + 6 = 14। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 72, पहले 7 को हम अलग करेंगे, देन हम 2 को अलग करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, पावर मेंशन करेंगे 0 देन 1। 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ 8 1 = 8 प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ 8 पावर 0 = 1। 7 8 = 56 प्लस 2 1 = 2, 56 + 2 = 58। हेयर इज़ अवर आंसर। उसके बाद आपके सी, डी और ई आपका होमवर्क है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6, एड द फॉलोइंग बेस 8 नंबर्स। अच्छा, हमें ये एडिशन करनी है, इसके मैं आपको ए बी और सी करवाऊंगी। इसके बाद ए बी और सी आपको करवाऊंगी, उसके बाद आपका डी ई और एफ आपका होमवर्क होगा। अच्छा, इसमें एक रूल्स हैं, मतलब अगर 8 नंबर आएगा तो हम इसको 10 लिखेंगे, 9 नंबर आएगा उसके 11 लिखेंगे, 10 आएगा तो 12 लिखेंगे, 11 आएगा 13 लिखेंगे, 12 आएगा तो 14 लिखेंगे। मतलब हमारा जो भी नंबर आएगा ना 8 के बाद, तो उसको हम 2 ऐड करके लिखेंगे। अब देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 14 + 32, 14 लिखा 32 लिखा, 4 2 4 + 2 = 6, ये 8 से छोटा है तो हमने 6 राइट कर दिया। 3 + 1 = 4, ये सिंपली एडिशन हो गया, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं की। इसके बाद देखिए 43 + 16, 3 + 6 = 9, अब देखें 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो मतलब 9 को हम 2 ऐड करके लिखेंगे। 9 के बाद 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 11। 1 लिखा हमने, 1 1 ऊपर गिवन दिया, 5 4 + 1 5 5 + 1 6, आंसर क्या आया हमारा? 61। एंड देन क्वेश्चन नंबर सी एंड लास्ट क्वेश्चन, 47 + 15, 47 राइट किया, 15 राइट किया, 7 + 5 = 8 9 10 11 12, ये कितना है? 8 से बड़ा है, तो 12 को हम, मतलब 12 में अगर 2 प्लस करें हम 13 और 14, तो 4 हमने यहाँ राइट किया, देन हमने 1 ऊपर कैरी दिया, 4 + 1 = 5 + 1 = 6,
कि 8 से छोटा है तो इसको हम एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे। आंसर क्या आया हमारा 64 ऑक्टल। इसके बाद देखें, इसके आपके पास सी डी, उसके बाद आपका डी ई और एफ आपका होमवर्क है आज के लिए। ये सब कुछ आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे बिल्कुल नीट क्लीन राइटिंग में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।